सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, हमने ये स्टार काइट अपने पास बनाई थी। पहले आप लोगों ने इसको बनाते हुए वीडियो देखा था और इसके अलावा इस पतंग को हमने उड़ा करके दिखाया भी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लेकिन हमने सिर्फ एक पतंग उड़ा के दिखाया था, ये वाला उड़ा करके दिखाया था। ये अभी हमने एक और बना ली, तो अभी हम लोग दो स्टार काइट को एक ही धागे से उड़ाएंगे। और फ्रेंड्स, इसका पीछे का मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से दिखता है। इसके पीछे इस तरह से तिलियाँ लगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टार काइट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसी तरह से स्टार काइट्स वगैरह उड़ती हैं। और ये देखिए, अभी हम लोग इसको दोनों को एक ही रस्सी से, एक ही धागे से उड़ा करके दिखाएंगे। पहले हम लोग इस वाले को उड़ाएंगे, फिर इस वाले को उड़ाएंगे, फिर दोनों को एक ही धागे से बांध देंगे और ये अपने आप ही मस्त उड़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाएंगे और इसको उड़ा के आप लोगों को दिखाते हैं कि उड़ने में कैसा है। और ये देखिए, डगर डगर करके उड़ता है। देखिए कैसे जा रहा है, ये मुंडी हिलाते हिलाते। फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है एक जगह बांध देंगे, ये अपने आप उड़ता रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है दूसरे वाले को भी उड़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने आप ही उड़ रहा है ये, और काफ़ी मस्त है उड़ने में। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको उड़ा दिया। उड़ा करके जो है यहाँ पे हम बांध देंगे, ये अपने आप उड़ता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बांध दिया, ये अपने आप उड़ेगा। अभी हम दूसरे वाले को भी उड़ाएंगे और देखते हैं कि कैसा उड़ता है। फ्रेंड्स, पहले हमने उस वाले को उड़ा दिया था, अब इसको भी उड़ा रहे हैं। ये इसका छोटा भाई है, वो बड़ा भाई पहले उड़ चुका है, अब ये छोटा भाई भी उड़ेगा। ये छोटा भाई भी वैसे ही उड़ता है, डगर डगर कर रहा है। दोनों ही एक ही तरह से उड़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसके जो हम बगल में जो इसकी पूंछ लगी हुई है, दो दो पूंछ लगी हुई है, अगर इसको निकाल देंगे तो ये बहुत ही जो है तेज चक्कर लेना शुरू करता है। और ये देखिए, ये भी डगर डगर करके उड़ रहा है। एक इधर उड़ रहा है, एक उधर उड़ रहा है, और दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को अब एक ही धागे में बांध दे रहा हूँ और ये दोनों एक ही धागे से उड़ेंगी। और ये चार नंबर की सद्दी है, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों ही एक साथ उड़ेंगे। अभी आप देखिए, अब ये मैंने यहाँ पर दिखाई है पहले आप, ये देखिए दोनों एक ही धागे पर बंध गया, दोनों चार नंबर सद्दी पर बंध गया। और ये आसमान में देखिए डगर डगर करके उड़ रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह की बहुत सारी पतंगें उड़ाई जाती हैं, अलग अलग डिज़ाइन की पतंग होती है। हमारे इंडिया में अलग डिज़ाइन की होती है और काफ़ी सारे देशों में इस तरह की पतंगें उड़ाई जाती हैं। और आप देखिए कि कैसा मस्त उड़ रहा है। ये खींचने से जो दोनों एक दूसरे के नज़दीक चले जाते हैं और डगर डगर करके उड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, छोटा भाई थोड़ा सा शैतान लग रहा है, छोटा वाला नॉटी है, बड़ा वाला थोड़ा सीरियस है, इसलिए वो शांति से उड़ रहा है और छोटा वाला जो है बदमाशी कर रहा है। अब ये देखिए, दोनों में पेच लग गया और उसका पूछ देखिए कहाँ से कहाँ फंस गया है पूछ उसका। अभी अपने पूछ निकालेगा खुद ही, जो देखिए निकाल लिया। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मेन कैमरे से दिखाए आपको, क्योंकि मेन कैमरे से ज़्यादा अच्छा बनेगा। अभी आपको मेन कैमरे से दिखाया जा रहा है और अभी मैं पतंग को दूर कर दूँगा, क्योंकि मेन कैमरे से पतंग जितनी दूर जाती है उतना ही अच्छा बनता है वीडियो। अभी ये पतंग जो है काफ़ी दूर हमने भेज दी है और मोर देन 200 मीटर्स क्रॉस कर चुका है फ्रेंड्स ये। ओ काफ़ी सारी चील भी आने लग गए हैं। जब भी हम कुछ नया रिसर्च करते हैं तो चील आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये क्या फन हो रहा है।
अभी देखिए काफ़ी सारे, अभी एक भी चील नहीं था लेकिन काफ़ी सारे चील आ गए। उन्होंने इस तरह की पतंग नहीं देखी। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। और ये जो पतंगे हैं ये बच्चों के लिए मैं बनाता हूँ इस तरह की पतंगे, और इस तरह की वीडियो जो है मैं बच्चों के लिए खास करके बनाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब छोटा वाला जो है बड़े वाले के पास आ गया। छोटा वाला थोड़ा सा शैतान है और बड़ा वाला शरीफ है। दोनों ही डगर डगर करके उड़ते हैं। और ये चला फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी पूंछ निकाल दूंगा तो फिर ये दोनों जो है बहुत ही शैतानियां करने लगेंगे, तब गोल 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 घूमने लगेंगे फ्रेंड्स। अब मैं दोनों को एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ, दोनों भाइयों को मिलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोनों भाई जो है आपस में मिल गए। दोनों बिल्कुल बगल बगल उड़ रहे हैं। जो छोटा वाला भाई है उसमें 16 पंख है और बड़े वाले भाई में 8 पंख हैं, ये फ़र्क है। छोटे वाले भाई की पूँछ छोटी है, बड़े वाले भाई की पूँछ ज़्यादा बड़ी है। अभी आप ठीक से देखें तो छोटे वाले में जो है 16 पंखड़ियाँ हैं। ये मैं थोड़ा सा पास कर लेता हूँ इसको। अभी आप देखिए छोटे वाले में 16 पंखड़ियाँ हैं और बड़े वाले में, बड़े वाले स्टार काइट में 8 पंखड़ियाँ हैं। अब आप बड़े वाले को भी देखिए, अभी आपने छोटे वाले को देखा था। ये देखिए आप ठीक से देखिए छोटे के वाले के अंदर कितने सारे पंखड़ियाँ हैं आप गिन सकते हैं। इसके अंदर 16 हैं और बड़े वाले में देखिए 8 हैं। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों ही पतंगों को मैं उतार लूँगा। और तो चलिए फ्रेंड्स अब इनको उतार लिया जाए। और एक साथ ही उतार रहा हूँ मैं इनको। ये देखिए पहले छोटा भाई उतर आए हैं और इस पर आप गिन सकते हैं इसके अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं, इसके अंदर जो इस तरह के जो ये बने हुए हैं ये ज़्यादा हैं और बड़े वाले में कम हैं। अब बड़े वाले को भी मैं उतारूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स बड़ा वाला भाई भी उतर आया और बड़े वाले में हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है। और इसमें हैं फ्रेंड्स इस वाले में 16 हैं, आप देख सकते हैं 16 है और उसमें 8 है। ये छोटा भाई है और वो बड़ा भाई है। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष, ये ही नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।